दुर्ग से धामदा मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने से कार में सवार चार लोगों में से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्ग में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना की सीसीटीवी फुटेज से देखने से पता चलता है कि कार कितनी रफ्तार से डिवाइडर से टकराई होगी और जिससे इस हादसे में दो लोगों की गंभीर अवस्था में मौत भी हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मोंटी कौशल इनू देशलहरा की मृत्यु हो गई है, तो वहीं धर्मेंद्र तेलाशी कुबेर मरकाम का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच प्रारंभ कर दी है। मामले को लेकर एडिशनल SP ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। ये थाना मोहन नगर के का मामला है। सिकोला भाटा के रहने वाले व्यक्ति ने स्वयं कार चला रहा था, उसी दौरान उसका डिवाइडर से टकराने से कार में सवार दो लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई और जो घायल थे उनके भी इलाज चल रहा है। इसमें मर्ग कायम कर पुलिस के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी घायल है अभी स्पष्ट बता नहीं पा रहे हैं। जैसे ही वो ठीक होते हैं उनके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।